हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और चलिए अब आपको ना एक अच्छी सी खबर देने के लिए मैं आ गई। एक नहीं, इनफैक्ट मेरे पास दो ऐसी खबरें हैं जो आपकी स्माइल को और ब्रॉड कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये वाला जो मंथ है इसे पवन अरुणिता मंथ कह दिया जाए, क्योंकि उनके अलग अलग जगह पर इतने सारे कॉन्सर्ट्स हैं। सर्टनली और ऐसा होता है कि जब बोलते जाओ तो ऐसा लगता है कि अच्छा, मैं बोल तो रही हूँ 10 शो है या 15 शो है, कहीं और 2-3 जुड़ गए तो फिर नई स्टोरी बना लूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर शो की बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं बात करने वाली हूँ सलीम सुलेमान जी की तरफ से एक जो खबर आई है उसकी। सलीम ने हाल ही में अपने इंस्टा पर एक पिक्चर डाला है, और उस पिक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो कह दो इस नाम से ये वाला पवन और अरुणिता का गाना आने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि बहुत पहले सलीम जी ने, लास्ट ईयर की बात है, जब सलीम जी ने मुझे कहा था कि उन्हें अरुणिता की आवाज़ बहुत सुंदर लगी और बहुत जल्दी वो पवन और अरुणिता का एक डुएट तो डेफिनेटली लेकर आने वाले हैं, इट विल बी अ रोमांटिक नंबर। तो बस कह दो, वही तो है, बता दिया और क्या। सो कह दो ये जो गाना है, ये 12 जनवरी के आसपास कुछ रिकॉर्डिंग के कुछ पिक्चर्स भी बाहर आए थे, उसी दौरान शूट भी कर लिया होगा और रिकॉर्ड तो डेफिनेटली फाइनल रिकॉर्डिंग हो ही गई होगी, तभी जाकर इन लोगों ने कुछ 16-17-18 कुछ इस डेट के आसपास 16-17 को ये लोग कश्मीर में गए थे और श्रीनगर और डल लेक के आसपास इन लोगों ने शूट किया है। और वो शूट करके अब जब आए हैं तो उसका फाइनल एडिट तैयार हो रहा है। कह दो ये वाला गाना 3 फरवरी को आपके सामने आ रहा है, मतलब अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और क्या। और इसमें ना सलीम जी ने बड़ी अच्छी सुंदर सी बात भी लिखी है, आपको पढ़कर बता देती हूँ। सलीम मर्चेंट जी कहते हैं, हियर इट इज अवर वैलेंटाइन स्पेशल कह दो बाय पवनदीप राजन एंड अरुणिता कांजलाल, अ टाइमलेस लव सॉन्ग दैट इज प्योर सोल। पवन एंड अरुणिता साउंड ब्यूटिफुल टुगेदर। एंड फ्रेंड्स, मतलब हम तो हमेशा से कहते आए हैं, अब तो सलीम जी ने भी कह दिया है कि ये दोनों साथ में बहुत सुंदर साउंड करते हैं, एक दूसरे को इतना बैलेंस करते हैं ये दोनों सिंगर, वन ऑफ द बेस्ट सिंगिंग जोड़ी यू कैन इमेजिन। सर्टनली आशा जी को भी सुना है, लता जी को भी सुना है, लेकिन क्या है ना, मैं उस समय की तो हूँ नहीं जब मैंने आशा जी और किशोर कुमार साहब या फिर रफ़ी साहब और लता जी इनको एक साथ सुना हो। मैं तो इस जोड़ी को सुन रही हूँ और इस जोड़ी को सुन के बहुत खुश हो जाती हूँ। तो चलिए भाई, ये सिंगिंग जोड़ी हो तो ऐसी हो, मैं इतना बोल सकती हूँ। तो कह दो जो है आपके सामने 3 तारीख को आ जाने वाला है। अब दूसरी खबर जो आ रही है वो है भद्रक से। तो भद्रक यानी कि भुवनेश्वर के पास में ही एक ऐसी सिटी है जहां पर पवन और अरुणिता अपने शो को देने के लिए पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस भी देखने में आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है वो देखकर और एक्साइटमेंट फिर बढ़ जाती है मेरी कि चलो भाई इस बार क्या नया होने वाला है। ये जो भद्रक है, ये बेसिकली भद्रकाली जो देवी माँ है उनके नाम पर रखा गया ये भद्रक शहर है। और यहाँ पर पवन अरुणिता जा रहे हैं, भुवनेश्वर से जा रहे हैं, और एक बार फिर से प्रूव हो गया कि भुवनेश्वर वाले या ओडिशा वाले थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दे रहे हैं पवनदीप और अरुणिता को, जिसके लिए हमें हैप्पी होना है और क्या। अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रा लिख कर बताइए। और इंतजार कीजिए 3rd of Feb का, जब आपको कह दो सुनने में आ जाएगा। जय हिंद।